हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, आज से हम लोग क्लास 10th संस्कृत के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हिंदी के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बता दिया हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, इसके बाद इसको कंप्लीट कीजिए। क्योंकि अगर आप क्लास 10th में अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आपको ख्याल होना चाहिए कि आपको तीन विषय पर विशेष ध्यान देना होगा। एक मैथ हो गया, दूसरा हिंदी और तीसरा संस्कृत है। यदि अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो इन तीन विषयों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, क्योंकि 50-50 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसमें है। केवल यही तीनों विषय मिलाकर केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के द्वारा आप 150 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो बाकी विषय जब मिल जाएंगे तो आपका फर्स्ट कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीन विषयों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक है, और इन तीनों विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं परीक्षा के समय तक बहुत अच्छा से तैयारी करा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं संस्कृत के प्रथम चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, और अगर आपको याद है तो पहले बनाने की कोशिश कीजिए। उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। तो आपका आंसर हो जाएगा कि उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास ने उपनिषद लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हैं? अभी जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ के रचनाकार कौन हैं? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। तो मंगलम पाठ के रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ जो आप पढ़ रहे हैं उसमें टोटल कितना मंत्र लिखा गया है? ऑप्शन 10, 8, 5 या 7। तो आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मंगल में केवल 5 मंत्रों का संकलन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन आपका सी सही होगा, 5 मंत्र का संकलन है मंगलम पाठ में। अगला है, अनु से छोटा कौन है? अनु से छोटा कौन है? जैसा कि हम जानते हैं कि तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के छोटे कण को अणु कहा जाता है। लेकिन यहाँ कवि जो है वो पूछ रहा है कि अणु से भी छोटा कौन है? अणु से भी छोटा कौन है? ऑप्शन दिए गए, आकाश, आत्मा, परमात्मा या संसार। तो उन्होंने अणु से छोटा आत्मा को कहा है। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। अगला, किसकी जय होती है? किसकी जय जयकार, इस दुनिया में कौन सा ऐसा चीज है जिसका जय जयकार होता है? ऑप्शन है सत्य, असत्य, क्रोध या मोह। तो आपको पता होगा कि इस संसार में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जय जयकार हो तो आपको सत्य का मार्ग अपनाना होगा, क्योंकि हमेशा सत्य की ही जय जयकार होती है और सत्य का ही विजय होता है। बाकी किसी का जय जयकार नहीं होता है, ना तो असत्य का, ना ही क्रोध का और ना ही मोह का। मोह तो इस दुनिया में बिछड़ कर रह जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य की जय जयकार होती है। अगला, बहती नदी कहाँ कहाँ मिलता है? यानी कवि के अनुसार बहती नदी कहाँ मिलता है? सरोवर में, नदी में, समुद्र में या तालाब में? तो बहती नदी समुद्र में मिलता है, कवि के अनुसार समुद्र में मिलता है। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में, एंड जंतुओं के हृदय का जो गुफा है उसमें क्या है? ऑप्शन तत्व, शरीर, देवता या राक्षस। तो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में तत्व है, तत्व से मिलकर हृदय का निर्माण हुआ है, यानी तत्व के ही उसके अंदर समाहित है, हृदय में तत्व है। इस बात को याद रखेंगे, यह कवि के अनुसार ऐसा कहा गया है, कल्पना करते हैं कवि और कहते हैं। अगला है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया, यानी किस उपनिषद में बताया गया कि ब्रह्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं?
यानी मार्ग बताया गया है कि किस मार्ग पर चलेंगे तो आपको ब्रह्मा में मिलेंगे। ऑप्शन दिया है कठोपनिषद, ईशायोपनिषद, या श्वेतावतर, या मुंडकोपनिषद। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद में बताया गया है कि ब्रह्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी मार्ग बताया गया है ब्रह्मा को प्राप्त करने का। तो ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। अगला, देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है, यानी किससे देवलोक का मार्ग आपको मिलेगा, यानी किस राह पर चलेंगे तो देवता तक पहुंचने का भी रास्ता आपको मिल जाएगा। ऑप्शन है सत्य, असत्य, क्रोध या मोह। तो असत्य का मार्ग है जो देवलोक तक आपको पहुंचाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा कि देवलोक का मार्ग सत्य के द्वारा ही मिल पाता है, तो आपको सत्य के रास्ते पर चलना होगा तभी आपको देवलोक का मार्ग मिलेगा। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला, सत्य से क्या प्राप्त होता है, यानी सत्य से आपको क्या मिलेगा। ऑप्शन है पृथ्वीलोक, नरकलोक, देवलोक या कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि देवलोक का मार्ग क्या है, सिर्फ सत्यम है, केवल सत्य है। तो आपका आंसर कौन हो जाए, ऑप्शन नंबर सी, सत्य का मार्ग ही क्या है, देवलोक का मार्ग है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, यानी कौन सा वो व्यक्ति है जो मृत्यु को वश में कर लेता है, मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति या कोई नहीं। तो विद्वान ही होते हैं जो क्या करते हैं, अपने मृत्यु को वश में कर सकते हैं, मृत्यु को वश में कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा कि विद्वान लोग ही मृत्यु को वश में कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। ध्यान से सारे प्रश्नों को लिखते जाइए, याद करते जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। अगला, किसकी जय होती है, किसकी जय होती है, सत्य, असत्य, क्रोध या मोह। तो याद रहे, जय जयकार तो सत्य की भी होती है, असत्य की भी हो जाती है, क्रोध की भी हो जाती है, लेकिन मोह की कभी जय जयकार नहीं होती है। तो यहाँ दिया गया है किसकी जय नहीं होती है, ठीक है। तो नहीं होती तो मोह की जय नहीं होती है, और जय जयकार सबसे ज़्यादा होता है तो किसका, सत्य का जय जयकार होता है, और मोह का कभी जय होता ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, मोह का कभी जय नहीं होता है। अगला, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन दिया है स्वविषय, पर पुरुष, देव पुरुष या परम पुरुष। तो जो देव रूप में हैं पुरुष, जिनको परम पुरुष कहा गया, पुरुषों का पुरुष जो है परम पुरुष हैं, उनका वर्णन किया गया है उपनिषद में। तो परम पुरुष हैं, महाज्ञानी हैं, उन्हीं के बारे में उपनिषद में बताया गया है। तो आपका ऑप्शन डी सही है कि परम पुरुष के बारे में उपनिषद में चर्चा की गई है। अगला है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 109, 108, 105 या 111। तो टोटल उपनिषद की संख्या 105 है, उपनिषदों की संख्या 105 है। आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किस में व्याख्या की गई है, यानी किस उपनिषद में बताया गया है आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में, ठीक है। आत्मा के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है। ऑप्शन है कठोपनिषद, ईशायोपनिषद, श्वेतावतर या मुंडकोपनिषद, किस में बताया गया है। तो आत्मा के बारे में बताया गया है आपका कठोपनिषद में, ठीक है। याद कर लें, आत्मा के बारे में बताया गया कठोपनिषद में, ठीक। ईशायोपनिषद में परमात्मा के बारे में बताया गया है, और ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष के बारे में बताया गया है श्वेतावतर में बताया गया, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में कठोपनिषद में बताया गया है, ठीक है। अगला, परमात्मा के महिमा के का वर्णन किस में किया गया है, यानी परमात्मा के महिमा का वर्णन किस में किया गया है। ऑप्शन ए कठोपनिषद, श्वेता ईशायोपनिषद या श्वेतावतर या मुंडकोपनिषद। तो अभी मैंने बताया कि आत्मा के बारे में कठोपनिषद में, ईशायोपनिषद में परमात्मा के बारे में, और श्वेतावतर में ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप याद रहे, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, परमात्मा, तो क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ईशायोपनिषद, ईशायोपनिषद, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर किस में किया गया है, अभी मैंने बताया, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। पहला कठोपनिषद क्या है, आत्मा, ईशायोपनिषद परमात्मा, श्वेतावतर ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर बताया गया है, ठीक है। तो इसको आप याद कर जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही है, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है।
अगला, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तांबा से, चांदी से, लोहा से या हिरण्य पात्र से? तो सत्य के मुख को चांदी से ढक दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? ऑप्शन है पृथ्वीलोक, नरक लोक, देवलोक या कोई नहीं। तो देखिए, सत्य का खजाना तो पृथ्वीलोक पर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सत्य का खजाना मिलता है कहाँ? देवलोक में। तो इस चैप्टर के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सत्य का खजाना देवलोक में है, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस चैप्टर का जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है, वे सारे प्रश्न यहाँ खत्म हो जाते हैं। इन 19 प्रश्नों को आप जरूर याद कर जाएं, क्योंकि यदि इस चैप्टर से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं 19 में से कोई एक होगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।